चलो, याद है पिछले क्लास का रेंज सारा याद है? लीनियर वर्ड में रेंज क्या होता था? 0 से 0.0.155 पे इक्वलिटी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ट्रायंगुलर वर्ड में इक्वलिटी किस पे होगा? 0.155 पे। और कोऑर्डिनेशन नंबर छोटे आयन का यानी कैटायन का कितना होगा? 3 होगा। टेट्राहेड्रल में रेंज 0.225 से 0.414 इक्वलिटी होगा 0.225 पे। सही है, ठीक है। आगे ऑक्टाहेड्रल में 414 से 732 तक 414 पे इक्वलिटी होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन 9 दोनों का कितना होगा? 6 होगा। टेट्रा वाले केस में केटायन का कितना होगा और एनायन का? मानकर चल रहे हैं केटायन छोटा है, एनायन बड़ा है। क्यूबिक वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना है? 6 6 नहीं 8 8 है ना लास्ट वाला। क्यूबिक वर्ड चाहे बॉडी सेंटर क्रिस्टल जो होगा उसमें 8 8 होगा, जो मिडिल में है उसका भी 8, जो कॉर्नर पे है उसका भी 8 होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा? 0.732 से 1 तक हो जाएगा, 732 पे इक्वलिटी आएगा। प्रूफ हो गया था सारा, ठीक। अगला हेडिंग दो, रॉक सॉल्ट अरेंजमेंट। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर लिख देना, क्योंकि अरेंजमेंट तो एटम का होगा ना अंदर में। चाहे लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन रॉक सॉल्ट, ठीक है। चाहे क्या लिख सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रॉक सॉल्ट हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर, उसके अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके जैसा अरेंजमेंट किसका किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, है ना? नोट करो, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में। आगे जो भी हम बताने जा रहे हैं, अगर सवाल में कोई भी कंपाउंड दे दिया, मान लो ए बी नाम का कंपाउंड दिया और बोल रहा है कि ए बी जो है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में है, तो जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं सारा उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एग्ज़ाम में सवाल ऐसे पूछेगा, बता देगा कि ये इस अरेंजमेंट में है तो बताइए क्या होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लिए? चलिए नीचे लिखिए। तो रडजावाचेस इसमें होता क्या है? दोनों इक्वल है ना, एन ए प्लस और सी एल माइनस दोनों क्या है? इक्वल है ना। तो इक्वल है तो इन दोनों में से बड़ा वाला तो जाएगा ब्रेविस लैटिस में। बड़ा वाला किस में जाएगा? तो अभी हम जितना एग्जाम्पल कराएंगे उसमें ब्रेविस लैटिस हम एफ सी सी लेंगे। कौन सा? एफ सी सी लेंगे। तो बड़ा वाला जाएगा किस में? एफ सी सी में। तो सी एल माइनस चला गया किस में? एफ सी सी लैटिस पॉइंट पे। बचा हमारे पास, जब एफ सी सी लैटिस पॉइंट पे गया तो एफ सी सी लैटिस पॉइंट जब भरता है तो उसके सराउंडिंग में दो तरह का गड्ढा होता है, टेट्रा और ऑक्टा, दो ही होता है ना। तो सोडियम हमारा या तो टेट्रा में जाएगा या तो ऑक्टा में जाएगा। तो किस में भेजें हम सोडियम को, एन ए प्लस को किस में भेजें, किस गड्ढे में भेजें, सो दैट कि केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 आ जाए, हमारा फार्मूला सेटिस्फाई हो जाए। फार्मूला सेटिस्फाई होना है ना। तो फार्मूला सेटिस्फाई करने के लिए जितना सोडियम उतना ही क्लोरीन। क्लोरीन किस में है? एफ सी सी में। यानी क्लोरीन 4 है तो सोडियम भी 4 होना चाहिए। यानी सोडियम किस गड्ढे में जाएगा? ऑक्टा में जाएगा। क्लियर हुआ? ऑक्टा का इफेक्टिव नंबर 4 था ना, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती तुम टेट्रा में भेज दिए सारे टेट्रा में, तो वैसे केस में सोडियम क्लोरीन का दुगना हो जाएगा। क्या दुगना है? ये ए टू बी टाइप का स्ट्रक्चर है या ए बी टाइप का स्ट्रक्चर है? बता रही है समझ में? ठीक है, चलो और शुरू से थोड़ा सा एक सवाल पूछते हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट है और एक है ए बी ए बी ए बी टाइप का, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है? तीन तरह का लेयर किस में था? एफ सी सी में था, समझ गए? ए बी ए बी ए बी टाइप है क्लोजेस्ट पैकिंग में, तो एस सी पी होगा। एस सी पी में ए बी ए बी था ना, एक लेयर दूसरा फिर तीसरा रिपीट हो गया था, फिर दूसरा फिर एक रिपीट हो गया था, ठीक है। बॉडी सेंटर जो होगा वो भी ए बी ए बी है। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में जो नीचे जो 4 एटम होता है उसका एक प्लेन, उसके ऊपर में
जो बॉडी सेंटर पे एटम है उसका प्लेन होगा, और उसके ऊपर में फिर से नीचे वाला प्लेन रिपीट हो गया क्या? बॉडी सेंटर में क्या होता है, नीचे चार ऊपर चार और बीच में एक अकेला एटम, तो कितने तरह का प्लेन आपको दिख रहा है? नीचे वाला और ऊपर वाला तो सेम ही है, बीच में डिफर कर रहा है, तो ए बी फिर से ए बी इस तरह से होता जाएगा, लेकिन ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है, है ना। तो सिंपली अगर ए बी बोलेगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर क्लोजेस्ट पैकिंग में ए बी बोलेगा तो वो किसकी बात कर रहा होगा? एच सी पी की बात कर रहा होगा, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग की। समझ गया ना? ठीक है, चलो नीचे लिखो, यहाँ पे सी एल माइनस लिखो, सी एल माइनस आर प्रेजेंट, सी एल माइनस आर प्रेजेंट, सी एल माइनस आर प्रेजेंट प्रेजेंट एट, सी एल माइनस आर प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट्स, सी एल माइनस आर प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट्स, सी एल माइनस आर प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट्स एंड एंड एन ए प्लस एंड एन ए प्लस आर प्रेजेंट एंड एन ए प्लस आर प्रेजेंट इन एंड एन ए प्लस आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लिख लिए, है ना, एन ए प्लस कहाँ पर रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। नीचे लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ सी एल माइनस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ सी एल माइनस पर यूनिट सेल बराबर कितना होगा? फोर होगा, एफ सी सी में है तो बराबर फोर। अगला लिखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए प्लस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए प्लस पर यूनिट सेल बराबर ये भी कितना होगा? फोर ही होगा, बराबर फोर। तो इसके एक यूनिट सेल में चार सोडियम है, चार क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड कितना होगा? सोडियम क्लोराइड का कितना यूनिट होगा? आठ होगा ना, चार सोडियम चार क्लोरीन, टोटल कितना हो गया? तो एन ए सी एल आठ हो गया, आठ हो गया, चार ही ना हुआ। एक ढक्कन है और एक ये है, तो मेरे पास दो पेन है, एक और एक दो, एक एन ए एक सी एल मिलकर एक ही एन ए सी एल मिलेगा ना। देखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए सी एल पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए सी एल पर यूनिट सेल बराबर फोर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए सी एल पर यूनिट सेल बराबर फोर हो गया। ठीक है, तो जेड हमारा आ गया, एक यूनिट सेल में कितना सोडियम क्लोराइड? चार होगा। ठीक है, अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों? क्या अरेंजमेंट वही होगा जो पिछले क्लास में ऑक्टा और एफ सी सी का जो पेयर बनाए थे वो वाला होगा? एफ सी सी में ऑक्टा दिखाए थे ना, तो वही सेम डायग्राम होगा, एग्जैक्ट वही सेम डायग्राम होगा। जो पन्ना पीछे पलटो, निकालो क्लोजेस्ट ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वायर जो बता रहे थे, उसमें ऑक्टा वाला फिगर है और पीछे हाँ, बस ऑक्टा वाला फिगर मिल गया। हेडिंग होगा ऑक्टाहेड्रल वायर्स इन एफ सी सी, मिला? क्या एग्जैक्ट सेम यही फिगर होगा? जो ब्लैक वाला है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? सी एल माइनस को कर रहा है, और जो रेड वाला है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो एन ए प्लस को इंडिकेट कर रहा है। बात आ गई समझ में? बोलो। ठीक, तो फिगर तुम लोग जगह छोड़ लो, बाद में बना लेना घर जाके, हम जल्दी से बना लेते हैं। ये हमारा सारा कौन सा पॉइंट आ गया? एफ सी सी का, है ना, और ये जो ब्लैक वाला है ये कौन है? यानी कौन है? सी एल माइनस है।
ये हो गया सी एल माइनस। सोडियम कहाँ जाएगा? ऑक्टाइड्रल वॉइड में। ऑक्टाइड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है? एक तो बॉडी सेंटर पे होता है और बाकी सारा कहाँ पे होता है? एज के सेंटर पे होता है। जहाँ भी एज का सेंटर है वहाँ हमने सोडियम को बना दिया। एज लेंथ कितना? एज लेंथ को हम किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से करते हैं। और इस ध्यान से एज को देखो, बताया था केटायन और एनायन ऑलवेज कांटेक्ट में होता है, तो अगर कांटेक्ट में होगा तो एनायन और केटायन के रेडियस का समेशन जोड़ कितना होगा? ए बाई टू हो जाएगा। सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या एक एक्सप्रेशन वहाँ से क्या आएगा? आर ए प्लस आर सी बराबर। बहुत बढ़िया, हम वहाँ से लिख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये कितने के बराबर है? ए बाई टू के बराबर। तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं? बराबर ए बाई टू। ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, हमेशा सही है। क्यों? क्योंकि केटायन और एनायन चाहे अरेंजमेंट कोई भी हो हमेशा कांटेक्ट में होता है, बताए थे ना। लेकिन एनायन जो है ब्लैक वाला वो कांटेक्ट में हो भी सकता है, और जैसे ऑक्टा है तो ऑक्टा का रेंज कहाँ से कहाँ तक? 414 से 732 बोलो। तो 414 पे तो कांटेक्ट में होगा, लेकिन 414 से जैसे ही बड़ा हुआ तो 732 तक एनायन का कांटेक्ट तो खत्म हो जाता है। बस आइडियल जिसमें हम प्रूफ किए थे, जो केस लेकर हम कल प्रूफ किए थे, उस केस में ना बस एनायन कांटेक्ट में था। बोलो। तो अगर हम यहाँ पे लिखे आर सी बाई आर ए बराबर 0.414, तो क्या ये हमेशा सही होगा? ये कब सही होगा? ये रेशियो कब आया था? आइडियल केस में ना। आइडियल केस का मतलब क्या? जब एनायंस भी आपस में कांटेक्ट में हो। सही है। तो एग्ज़ाम में अगर तुमको डेटा नहीं दिया है और तुमको ज़रूरत है, एग्ज़ाम में अगर डेटा नहीं दिया है और तुमको ज़रूरत है तो तुम इसको इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में तुमको सोडियम क्लोराइड ही दे दिया, चाहे उसके जैसा कोई दूसरा दे दिया, और बोला कि आर सी बाई आर ए जो है वो 0.5 के बराबर है, तो क्या बोलोगे? सवाल गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, बस वो आइडियल केस नहीं है। क्लियर हुआ? आइडियल केस नहीं है, एनायंस वहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, एनायन केटायन कांटेक्ट में है। क्लियर हुआ? तो ये रेशियो कब होता है? वैसे 99% सवाल में तुम इसको इस्तेमाल कर लोगे। क्लियर हुआ? लेकिन हो सकता है कभी जेई एडवांस में सवाल पूछ दे जिसमें थोड़ा सा घुमा दे, बता रही है समझ में, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम? ओनली ट्रू कब? इन एन आइडियल केस। आइडियल केस का मतलब क्या? व्हेन एनायंस आर इन कांटेक्ट। इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे एनायन बड़े साइज का है, अगर केटायन बड़े साइज का होता तो आइडियल केस कौन सा होता? एनायंस कांटेक्ट में या केटायन कांटेक्ट में? केटायंस कांटेक्ट में। क्लियर हो गया? यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा? जो सोडियम ऑक्यूपाई करे और जो क्लोरीन ऑक्यूपाई करे, वही ना। तो सोडियम कितना आया है? 4 आया है। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? 4 × 4/3 π आर क्यू। तो आर क्यू की जगह आर प्लस क्यू कर दें, प्लस का मतलब केटायन हो गया। डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे कर देंगे, है ना। आर किसका? एन ए प्लस का, प्लस और भी तो वॉल्यूम भरा होगा। क्लोरीन तो जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या लिखेंगे? 4 × 4/3 π r सी एल माइनस का क्यू एंड डिवाइडेड बाई क्या? टोटल वॉल्यूम आएगा। क्लियर हुआ? हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को, ठीक है। कैसे? यहाँ से देखो तो आर सी बराबर क्या? 0.414 आ रहे, सही है। और आर सी का वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो। क्या रखोगे? 0.414 आ रहे, यानी जोड़कर 1.414 आ रहे आ गया। बोलो। तो ए कितना आया? 2 × 1.414 आ रहे आया क्या? 2 × 1.414 आर ए। अगर वैल्यू पुट करना हो तो 2 × कितना आर ए एनायन, सही है, का पावर कितना? 3 आएगा, ठीक है। 4 × 4/3 π कॉमन ले लें। और ये क्या है? आर सी है ना, केटायन है ना, यानी क्या है ये? बोलो, आर सी है।
और आर सी बराबर कितना आया था 0.414 आर ए का क्यूब प्लस यहाँ भी 4 × 4/3 π कॉमन हो गया तो आर ए का क्यूब बच जाएगा, आर ए का क्यूब आर ए का क्यूब आर ए का क्यूब कॉमन होकर कट जाएगा और बच जाएगा केवल क्या नंबर, केवल नंबर ही बचेगा ना। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा सवाल एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है, समझ गए, ऐसा सवाल नॉर्मली एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने को नहीं आता है। ठीक है, अगर आएगा भी तो तुमको ऑप्शन में एक्सप्रेशन बड़ा सा दिया हुआ रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, फाइंड आउट कर लोगे, क्लियर हो गया ना। लेकिन ये जो पैकिंग फ्रैक्शन निकला ये आइडियल केस में निकला क्योंकि हमने इस रेशियो को इस्तेमाल किया है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो डेंसिटी का बता दो एक्सप्रेशन क्या होगा, डेंसिटी बराबर कितना सोडियम क्लोराइड आया, चार आया ना, तो 4 × मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होता KCl होता तो मोलर मास KCl का, कोई दूसरा Ab होता तो मोलर मास Ab का, यही ना लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ये एवोगैड्रो नंबर और इंटू क्या Aq। नॉर्मली तुमको A दिया रहेगा चाहे Ra और Rc दिया रहेगा तो Rc प्लस Ra से आ जाएगा, क्लियर हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है Ra Rc, अगर नहीं दिया है तो फिर हम कोई एक ढूंढेंगे, दोनों में से कोई एक तो चाहिए हमको, कोई एक अगर दे दिया तो दूसरा इस रेशियो से आ जाएगा, बात आ रही है समझ में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Na प्लस का, 4 होगा, ऑक्टा के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, ऑक्टा के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, तुक्का मार रहे हो, 6 आता है, केटायन एनायन दोनों का 6 आता है, तो यहाँ पे Na प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और क्लोरीन क्लोराइड का भी, यहीं से देखो ना ये साफ फिगर तो बता रहा है, रेड वाले के चारों तरफ कितना ब्लैक है 6 है, ब्लैक के चारों तरफ कितना रेड है 6 है, एक ऊपर एक नीचे लेफ्ट राइट पीछे है तो एक फ्रंट में भी होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना आया 6 आया। आ गया समझ में, नोट करो पूरा डायग्राम, घर जाकर बनाना, डायग्राम के लिए जगह छोड़ लो, डायग्राम ऑलरेडी तुम्हारा बनाया हुआ है, बन जाएगा ना, वही सेम डायग्राम वहाँ से कॉपी करना है, एरो बस लगा के लिख देना है कि ये हमारा Cl- है और ये जो रेड वाला है वो कौन है Na+ है। एक यूनिट सेल में कितना Cl- प्रेजेंट है, इफेक्टिवली नहीं टोटल कितना Cl- दिख रहा है एक यूनिट सेल में और कितना सोडियम दिख रहा है, चार, इफेक्टिवली नहीं टोटल, ओवरऑल टोटल जो दिख रहा है उसका कोई भी एक हिस्सा आ गया तो उसको एक काउंट करना। अरे तो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है, तो कॉर्नर से 8 हुआ, फेस सेंटर से 6 हुआ, 8 × 6 कितना 14 हुआ, बोलो। और Na प्लस कहाँ है, एज के सेंटर पे 12 हो गया और एक बॉडी सेंटर पे 12 × 13 हुआ, है ना, तो क्लोराइड कितना है 14, बोलो। और Na प्लस कितना है 13 है। लेकिन अगर हम इस पूरे डायग्राम को a/2 से शिफ्ट कर दें, हम यहाँ से यूनिट सेल को एज्यूम करें और यहाँ पे a/2 जो अगला आएगा उसको इंक्लूड कर लें, तो तुम नोटिस करोगे रेड वाले कॉर्नर पे चला गया और ब्लैक वाला एज सेंटर पे चला गया, यानी कि इंटरचेंजेबल है दोनों, समझ आया। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 13-14 जो होगा, तो अगर 14 Na प्लस बोलोगे तो 13 Cl-, अगर 14 Cl- बोलोगे तो 13 Na+। ज़्यादा करेक्ट तो यही है क्योंकि बड़ा वाला कॉर्नर पे होता है ना, तो दोनों ऑप्शन अगर रहा तो किसको टिक करोगे, हाँ 14 Cl- और 13 Na+। लेकिन सारा जितना आइटम है सब पूछेगा, तब इफेक्टिवली पूछेगा, तब कितना, चार चार हो गया ना, नोट करो, हो गया बच्चों, नीचे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉयड, बराबर कितना, चार ना, छः, लिखो 6। अगला लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, Cl- प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट,
बराबर सिक्स ही होगा। ऑक्टा के केस में एफसीसी वाले का भी 6 ही होता है, ठीक है, हो गया। अगला लिखो, एक लाइन छोड़ के शायद का लिखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आयंस बराबर, तो अगर आयंस लिखेगा नियरेस्ट तो केटायन और एनायन ही होगा, क्योंकि उससे नज़दीक और कोई नहीं हो सकता है, कॉन्टैक्ट में तो वही दोनों है ना। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन लिखे, चाहे केवल आयन लिखे, बात बराबर ही है। कवर करो, हाँ, और निकलो वहाँ से, सेकंड थर्ड बेंच पे जाकर बैठो। हाँ, तुम ही बैठे हो साथ, मास लगा रहा, हटा रहा है, तुम उठो, उठ नहीं आता है क्या? हाँ, थर्ड बेंच पे जाकर बैठो। क्या बोल रहे थे? हाँ, ये बोल रहे हैं कि आयंस के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस बोले, चाहे केटायन और एनायन के बीच का बोले, बात बराबर ही है, क्योंकि नियरेस्ट जो होता है वो हमेशा केटायन और एनायन के बीच में ही होता है। चाहे ऑपोजिट चार्ज भी बोल सकता है कि ऑपोजिट चार्ज के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस बताइए। क्लियर हुआ? ठीक है, बराबर बराबर आर ए प्लस आर सी बराबर ए बाई टू, बराबर आर ए प्लस आर सी बराबर ए बाई टू, बराबर आर ए प्लस आर सी बराबर ए बाई टू, लिख लिया। अगला लिखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर, टू एनायंस बराबर, बोर्ड पे देखो, बताओ क्या होगा आंसर, सोच लो थोड़ा। दो एनायंस यानी दो ब्लैक वाले के बीच का, दो ब्लैक वाले के बीच का सबसे नज़दीक दो ब्लैक वाला बताओ, इस ब्लैक के सबसे नज़दीक ये ब्लैक वाला है, कौन सा है? ये है ना, बराबर ए बाई रूट टू, फेस सेंटर पे जो है वो है, बराबर ए बाई रूट टू, हो गया। अगला लिखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, दो रेड वाले के बीच का है ना, तो ये रेड रहा, ये रेड, इसके नज़दीक का सबसे रेड ये है, ये वाला है, तो कौन है? ये वाला, ये वाला, इसके जस्ट सामने, ये सामने, तो ये रेड के बगल, रेड के सबसे नज़दीक का रेड पूछ रहे हैं सौरभ, ये वाला कौन सा होगा? इन विच डायरेक्शन इज आगे, हम इस रेड वाले का पूछ रहे हैं, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब तो सेम ही है ना, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ए बाई टू, यहाँ से यहाँ ए बाई टू, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, रूट टू टाइम्स ए बाई टू, यानी ए बाई रूट टू होगा। वैसे भी जो इस ब्लैक से ब्लैक के बीच का डिस्टेंस है वही सेम होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं कि दोनों इंटरचेंजेबल है, तो पोजिशन तो सिमिलर है ना, तो जो चीज़ ब्लैक वाले के लिए ट्रू है वही चीज़ रेड वाले के लिए भी ट्रू है, समझ गए? ठीक है, तो लिखो बराबर ए बाई रूट टू, हो गया। अगर नेक्स्ट नियरेस्ट कर दिया जाए तो ए आ जाना चाहिए, ए आ जाएगा, लिखवा नहीं रहा, बहुत सारा हो जाएगा लिखवाने के लिए। अगर नेक्स्ट नियरेस्ट कर दे दो केटायन के बीच का, दो एनायन के बीच का, चाहे केटायन और एनायन के बीच का, लिखो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बराबर, केटायन एंड एनायन बराबर, और बताओ तो क्या होगा, एक रेड और एक ब्लैक के बीच का नेक्स्ट नियरेस्ट, इस ब्लैक के सबसे नज़दीक में ये रेड है, दूसरा सबसे नज़दीक में कौन सा रेड है, ये पूछना चाह रहे हैं। इस ब्लैक के सबसे नज़दीक ये रेड है, अपोजिट आयन लिखा है ना, दूसरा सबसे नज़दीक कौन सा रेड होगा? हाँ बोलो, कौन, बॉडी सेंटर वाला, फेस सेंटर पे तो ब्लैक है, इस ब्लैक के दूसरा सबसे नज़दीक का ये होगा, इसके पीछे ये वाला, तो वही सेम है ना बच्चे, ये ए बाई टू है, ये भी तो ए बाई टू ही है, हाँ, तो दूसरा सबसे नज़दीक का ये हुआ, या ये भी नज़दीक ही हुआ,
इसके सबसे नज़दीक ये हुआ, और ऐसा ऐसा कितना आइटम, तो छः आइटम होगा, उन्हीं छः में से तुम दूसरा एक बोल रहे हो। एक राइट हुआ, एक लेफ्ट होगा, एक इधर हुआ तो एक फ्रंट में होगा, एक नीचे है तो एक ऊपर होगा, ये सब तो नियरेस्ट है। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या नेक्स्ट नियरेस्ट, हाँ बॉडी सेंटर वाला होगा। बहुतों को लगता है कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है, तो यहाँ से यहाँ जो है ना, ये देखो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो अगर ये ए है तो इस ब्लैक से ये रेड ए से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन बॉडी सेंटर वाला रूट थ्री ए बाई टू है, तो रूट थ्री कितना होता है 1.732, तो रूट थ्री ए बाई टू क्या ए से छोटा लेंथ है? रूट थ्री बाई टू इंटू ए, ए से छोटा है ना, है ना, तो इसके दूसरा सबसे नज़दीक का आइटम ये रेड वाला होगा। क्लियर हो गया सबको, बता रही है समझ में? बोलो ठीक है, क्या लिखा है? नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन बराबर रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू लिख लिया ठीक है। अगला लिखो, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, टू केटायंस बराबर, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, तो इस रेड के सबसे नज़दीक ये रेड था, दूसरा सबसे नज़दीक ये वाला रेड होगा, है ना, बराबर ए, बराबर ए हो गया। अगला लिखो, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर, टू एनायंस बराबर ठीक है, कितना होगा? ए ही होगा, बराबर ए। तो आइडिया लग गया, ऐसा हम बहुत सारा लिख सकते हैं, जितना भी लिखे हो सबको अगर नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम यहाँ पे लाइन खींच के दिखा सकते हैं कि 1 कौन सा लेंथ है, 2 कौन सा लेंथ है, 3 कौन सा लेंथ है, बोलो ठीक है। तो नोट तो तुम कर ही लोगे इसको, हम इसमें बस समझा देते हैं। अगर ये हमारा आइटम है तो इसके सबसे नज़दीक का रेड ये, तो ये हमारा 1 हो गया, सही है ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 2 हो गया, ए बाई रूट टू। 3 क्या है? इस रेड से ये वाला लेंथ, ये 3 हो गया, होगा ठीक है। 4 क्या था? यहाँ से बॉडी सेंटर, ये क्या हो जाएगा? ये चौथा लेंथ हो जाएगा, रूट थ्री ए बाई टू। क्लियर हुआ ठीक है। फिर हम बोले थे कि 2 केटायन का नेक्स्ट नियरेस्ट ये हो जाएगा रेड से रेड, बोलो, चाहे ब्लैक से ब्लैक, तो ये हमारा 5 भी हो गया और 6 भी हो गया, सारा डिस्टेंस क्लियर हो गया ना, बोलिए ठीक। और एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो, किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में जो आयंस होता है उनके इफ़ेक्टिव नंबर का रेशियो, समझ गए क्या बोले हम, किसी भी यूनिट सेल में जो आयंस होता है उनके इफ़ेक्टिव नंबर का रेशियो रेसिप्रोकल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशियो के, आया समझ में? जैसे सोडियम इसमें कितना था? 4। क्लोरीन भी कितना था? 4। तो 4:4 1 हुआ। तो हम बोलना चाह रहे हैं इन दोनों का अगर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो ये इसी का रेसिप्रोकल आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या था? 6:6, वो भी 1 ही आया, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना? 1 ही होगा ना। तो कॉपी के ऊपर में जो खाली जगह है, कॉपी के ऊपर में जो खाली जगह है वहाँ पे लिख लेना, है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ ए प्लस बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ बी माइनस इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ ए प्लस बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ बी माइनस, किस में? ए बी, चाहे ए टू बी, चाहे ए बी टू, कुछ भी हो, फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, ए फाइव बी कुछ भी हो सकता है, बस इतना हमको पता है कि उसमें केटायन ए प्लस है और एनायन बी माइनस है, 2 प्लस भी हो सकता है, ए टू प्लस बी टू माइनस कुछ भी, ए प्लस बी टू माइनस, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस स्फीयर की बात कर रहे हैं, एक स्फीयर केटायन वाला है, दूसरा स्फीयर एनायन वाला है, तो क्या लिखेंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ ए प्लस बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ बी माइनस इज इक्वल टू क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी माइनस बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए प्लस, कॉपी के ऊपर में लिख लो इसको। बड़े आगे चलो, अगला लिखो, दूसरा, पहला था NaCl टाइप स्ट्रक्चर, दूसरा लिखो देखो,
एक होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एक होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, समझ गया? एक होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एक होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड में उल्टा हो जाता है, फ्लोराइड में उल्टा हो जाता है, केटायन बड़े साइज का हो जाता है और एनायन छोटे साइज का। लिखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड ही लिखो। मान के चल रहे तुम लोग समझदार हो, कंफ्यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? कंफ्यूज कैसे करोगे, इम्पॉसिबल है कंफ्यूज करना। क्यों, क्या लिखवाएं आपको? फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो इसका एग्जांपल याद रखना कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, याद हुआ? Yes, sir. क्या याद रखना? CaF2। कंफ्यूज इसलिए नहीं करोगे क्योंकि CaF2 में कैल्शियम का फ्लोरीन दुगना है। बोलो। तो कैल्शियम और फ्लोरीन में अगर दुगना वाला है तो ऑक्टा में तो नहीं जाएगा, टेट्रा में जाएगा। कौन कहाँ जाएगा, FCC में कौन जाएगा, दुगना वाला या कम वाला? और टेट्रा में कौन जाएगा? दुगना वाला, क्योंकि FCC होता है 4 और टेट्रा कितना होता है? हो गया, तो कन्फ्यूज़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कैल्शियम फ्लोराइड, जब भी हम बोलेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या इमेजिन करोगे? कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या? CaF2। तो कैल्शियम 1 है, फ्लोरीन 2 है, तो कैल्शियम जाएगा FCC में केटायन होने के बावजूद, और फ्लोरीन किस में जाएगा? बोलो, ऑक्टा में, किसमें? टेट्रा में, तभी ना उसका दुगना होगा, FCC 4, तो टेट्रा 8 हो जाएगा, याद रहेगा? ठीक है, क्या लिखा? फ्लोराइट, फ्लोराइट टी लिखना, डी नहीं, फ्लोराइट है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम फ्लोराइट होता है, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, हाँ टी, फ्लोराइड नहीं, फ्लोराइट, टी, टी फॉर ट्री, लिखे ब्रैकेट में लिखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, फॉर एग्जाम्पल CaF2, हो गया ना? ठीक है, नीचे लिखिए कहाँ जाएगा Ca2+, कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, और फ्लोरीन कहाँ जाएगा? हाँ लिखो Ca2+, लिखो Ca2+, Ca2+ आर प्रेजेंट, Ca2+ आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट्स, Ca2+ आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट्स, Ca2+ आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट्स, एंड F माइनस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एंड F माइनस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, लिख लिया? एक लाइन छोड़ के लिखे, इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2+ पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2+ पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2+ पर यूनिट सेल बराबर कितना? Ca2+ FCC पे है ना, ये बहुत गंदा आता है तुम लोगों का, इतना पढ़ा दिया फिर भी जल्दी रिप्लाई नहीं करते हो, देर से करते हो, कितना? हाँ लिखो 4। अगला लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ F माइनस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ F माइनस पर यूनिट सेल बराबर कितना? हाँ बराबर 8। इफेक्टिव नंबर ऑफ CaF2 पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ CaF2 पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट सेल बराबर कितना? 4 कैल्शियम 8 फ्लोरीन से कितना CaF2 बनेगा? 4 ही बनेगा, बराबर 4, हो गया ना? चलिए इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होगा, Ra+ Rc बराबर, कहाँ पे? टेट्रा में है ना, टेट्रा में है ना, तो Ra+ Rc बराबर √3a/4 होगा, प्रूफ कर चुके हैं, कॉर्नर से √3a/4 पे होता है, और ये कब होगा? ये ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि केटायन 9 हमेशा कांटेक्ट में होता है। दूसरा Rc/Ra होता है, लेकिन इस वाले केस में केटायन जो है वो तो लैटिस पॉइंट पे है, तो केटायन यहाँ बड़ा है ना, तो Rc/Ra लिखेंगे या Ra/Rc लिखेंगे? हाँ Ra/Rc चाहे क्या, Rf-Ra2+ इज इक्वल टू टेट्रा में है ना, यानी 0.225, समझ में आ रहा है? 0.225, ये कब? ओनली इन आइडियल केस, यानी क्या, जब व्हेन एनायंस आर इन कॉन्टैक्ट, केटायंस, हाँ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, व्हेन केटायंस आर इन कॉन्टैक्ट,
समझ गया ना? ठीक है, चलिए आ गया दोनों रिलेशन। अब यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या, 4 × 4/3 πr। चार कौन है? चार कौन है? किसका नंबर चार है? कैल्शियम का या फ्लोरीन का? कैल्शियम का, है ना। तो Ca2+ का क्यूब सही है। आठ कौन है? 4/3 π रेडियस किसका? F- का बाई पावर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई Aq। कैलकुलेट करना रहा मैथमेटिकली, अगर निकालना रहा, कैलकुलेटर तुमको दे दिया गया तो निकल जाएगा क्या? कैसे? यहाँ से Rf- कैल्शियम के टर्म में आ जाएगा, तो उसके यहाँ पे ये भी कैल्शियम के टर्म में आ गया, और जो F- आया कैल्शियम के टर्म में उसका वैल्यू इसमें पुट कर दो तो एज जो है वो भी आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो सारा कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल टर्म सारा जैसे पिछला किया था वैसे ही हो जाएगा क्या? डेंसिटी बताओ, 4 × मोलर मास किसका? डिवाइडेड बाई Aq। समझ गए? हाँ, नोट करो इतना पहले जल्दी से। हो गया, लिख लिए। ठीक, आगे लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ माइनस कहाँ प्रेजेंट है? एफ माइनस प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉयड बराबर। एकदम सही बोलो, जल्दी बोलो। टेट्राहेड्रल वॉयड में जो एटम है उसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? बहुत बढ़िया, बराबर लिखो 4। ढक्कन बराबर 4। जो टेट्राहेड्रल वॉयड में है, में उसका 8 हो जाएगा, वो गड्ढे में तो उसके चारों तरफ 4 ही ना होगा। अगला लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी ए टू प्लस। टू ऊपर, सी ए टू प्लस नहीं, Ca2+ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट बराबर। एफ सी सी लैटिस पॉइंट पर जो है उसके चारों तरफ में 8 टेट्रा होगा, तो इसका 8 होता है बराबर 8। हो गया, ठीक है। अगला लिखिए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। सारा पॉइंट हो गया इसमें, कुछ छूटा भी है? नियरेस्ट को छोड़कर कुछ छूटा भी है इसमें? नहीं ना, समझ में आ गया। डायग्राम कंपेयर करना हो तो किससे कंपेयर करोगे? जो टेट्रा वाला जो डायग्राम बनाए थे उससे। ठीक, लिखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बराबर आर ए प्लस आर सी बराबर कितना? जल्दी बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, लिखो √3a/4 लिख लिए। ठीक है, अगला लिखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनायंस बराबर। कौन है एनायन? एफ माइनस कहाँ मौजूद है? टेट्राहेड्रल वॉयड में मौजूद है। क्या डिस्टेंस होगा नियरेस्ट? कोशिश करो, फिगर देखो। टेट्राहेड्रल वॉयड में है ना, और टेट्राहेड्रल वॉयड कहाँ होता है? छोटे क्यूब के सेंटर पे। तो मान लो ये छोटा सा कमरा है, ये जो कमरा देख रहे हो यही छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना छोटा ले लो। तो 4 ऊपर में होगा, इस कमरे को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 4 ऊपर में होगा और 4 नीचे में होगा, और बोले थे छोटे क्यूब के ठीक सेंटर पे वो होता है। तो छोटा क्यूब, पूरा जो क्यूब है उसका एज लेंथ ए, तो छोटे क्यूब का एज लेंथ a/2, और उसके भी सेंटर पे है तो a/4, और उधर भी a/4, ऐड होके कितना आएगा? a/2 आएगा। एक टेट्रा यहाँ और बगल के छोटे क्यूब के बीच में भी एक टेट्रा, तो दोनों टेट्रा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a/4 इस वाले क्यूब में और a/4 उस वाले क्यूब में, जोड़ के कितना? a/2 आया, है ना। तो
बराबर लिखो ए बाई टू, बराबर लिखो ए बाई टू, इसको समझाते हैं और अच्छे से, बराबर ए बाई टू। ये हमारा क्यूब है, ठीक है, और हमको इसमें टेट्रा दिखाना है, तो टेट्रा आठ है हमारे पास, इसको हम आठ पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, बहुत गंदा हो जाएगा। टेट्रा कहाँ होता है, हर बॉडी डायगोनल पे होता है, दो दो होता है हर बॉडी डायगोनल पे, तो अगर हम इसका चारों बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दें, अगर हम इसका चारों बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दें तो देखो तो ये जाके इससे मिल गया, ठीक है, ज्योमेट्रिकली जो भी हम बना रहे हैं ना उसको ज्योमेट्रिकली बनाओगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है, वहाँ मिल गया। दूसरा हम इसको इससे मिला रहे हैं, है ना, ऐसे होगा, सही है, ठीक है। ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला, ये बॉडी सेंटर से होता हुआ यहाँ जाके मिल जाएगा, सही है ना, ठीक है, तो उसको भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से होता हुआ यहाँ मिल गया, सही है बच्चों, बोलो। और ये कॉर्नर किससे मिलेगा, इससे, चारों आ गया। और क्या बोले थे, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रूट थ्री है, उसका आधा रूट थ्री बाई टू, और उसका आधा यानी ठीक यहाँ पे एक टेट्रा होगा कॉर्नर से रूट थ्री बाई फोर पे, इससे भी होगा रूट थ्री बाई फोर पे, इससे भी होगा, इससे भी होगा, हर कॉर्नर से होगा, हाँ या ना, होगा क्या, ठीक। ये देखो, ये जो है पीछे वाला कॉर्नर है, और ये भी है पीछे वाला कॉर्नर, ये किसके सेंटर पे होगा, अरे बोलो, ठीक, ये वाला कमरा, ये वाला, सॉरी कमरा नहीं, ये वाला बॉडी डायगोनल का आधा पार्ट, इसके भी सेंटर पे होगा, मान लो यहाँ ले लिया सेंटर इसका, तो ये ऐसे मैच कर जाएगा इससे, तो इसके ठीक सामने इस पे भी होगा एक, सही है, ठीक है, इसको भी हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये कमरा है और इसमें आठ टेट्रा है, चार ऊपर चार नीचे, तो इन आठों टेट्रा को मिला दोगे ना तो तुमको फिर एक छोटा सा क्यूब मिल जाएगा, और उस क्यूब का एज लेंथ ए बाई टू होगा, आ गया समझ में, विजुलाइज हो रहा है, ठीक है, चार ऊपर मिल चुका है ना, तो उसी तरह से तुमको और कहाँ मिलेगा, चार नीचे मिलेगा, ठीक है, चलो नीचे ले जाओ इसको, यहाँ ले गए तो यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे इसको भी ले जाओगे तो देखो यहाँ गया, अपने आप सिमेट्रिक आ जाएगा, अगर सही बनाओगे ना लेंथ वगैरह तो अपने आप सिमेट्रिक आ जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ से सामने ले जाओ, तो यहाँ भी एक टेट्रा होगा, और दिख गया क्या, सारा टेट्रा मिलकर एक छोटा क्यूब बनाया, ये हमारा आठ टेट्रा है, ठीक है, और ये लेंथ कितना होता है, ए बाई टू होता है, आ गया समझ में, है ना, तो किसी भी यूनिट सेल में जो टेट्रा है सारा, सारे टेट्रा को मिला दोगे तो ए बाई टू एज का हमें एक छोटा यूनिट सेल मिलता है, क्लियर हुआ,
तो इस वाले इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा टेट्रा में एफ माइनस है, तो दो एफ माइनस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? एक एफ माइनस यहाँ, एक एफ माइनस यहाँ, वही ना मिनिमम होगा। कितना है मिनिमम? ए बाई टू। अगर नेक्स्ट बोल दे तो नेक्स्ट नियरेस्ट, तो इसके सबसे नज़दीक का ये, तो दूसरा सबसे नज़दीक का फेस डायगोनल वाला होगा, बोलो। यानी रूट टू टाइम्स ए बाई टू आएगा, रूट टू टाइम्स ए बाई टू, यानी कितना? ए बाई रूट टू। कितना आएगा? क्लियर हो रहा है? ठीक है, नोट करो। क्या लिख रहे थे? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर, एनायंस है ना, बराबर ए बाई टू, बराबर ए बाई टू लिख लिए। अगला लिखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, टू केटायंस बराबर, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, टू केटायंस बराबर। तो केटायन कहाँ है? एफ सी सी लाइटिस पॉइंट पे, यानी कितना आएगा? एफ सी सी लाइटिस पॉइंट पे नियरेस्ट डिस्टेंस, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। एफ सी सी में कॉर्नर वाले के सबसे नज़दीक का दूसरा एफ सी सी कौन होता है? फेस सेंटर पे होता है ना। फिर लिखो जल्दी ए बाई रूट टू, इतना देर थोड़े लगाते हैं, ए बाई रूट टू लिख लिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट नियरेस्ट कर दें टेट्रा वाले का, तब टेट्रा में ए बाई रूट टू आ जाएगा, और एनायन का बोल दें नेक्स्ट नियरेस्ट, है ना, तो उसका ए आ जाएगा, इसका दुगना। समझ गए? लिखना है क्या? लिख लो नेक्स्ट नियरेस्ट, लिखो नेक्स्ट नियरेस्ट बिटवीन, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर, बराबर कितना? इसका फेस डायगोनल, इसका सबसे नज़दीक का ये एनायंस है ना, तो एनायंस तो टेट्रा में है, तो इसके सबसे नज़दीक का ये रहा ए बाई टू, दूसरा सबसे नज़दीक का फेस डायगोनल, यानी रूट टू टाइम्स ए बाई टू, यानी ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू हो गया। अगला लिखो नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट बिटवीन, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर, टू केटायंस, टू केटायंस। तो केटायंस का मतलब क्या? एफ सी सी लाइटिस पॉइंट सी ए टू प्लस, सारा टेट्रा निकाल के फेंक दो, तो जो हम एफ सी सी पढ़े थे वही वाला आंसर आएगा ना। तो एफ सी सी में नियरेस्ट आता है ए बाई रूट टू, नेक्स्ट नियरेस्ट कितना आता है? ए आता है, बराबर ए, बराबर ए हो गया। जरा इसमें वेरीफाई करो, तो वो जो रेशियो बताए थे इफेक्टिव नंबर सी ए टू प्लस का कितना आया? चार, और फ्लोरीन का कितना आया? आठ आया, तो चार बटा आठ कितना हुआ? वन बाई टू, वन बाई टू। और सी ए टू प्लस का, सी ए टू प्लस जो कि एफ सी सी पे है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आठ होगा, और एफ माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगा, तो आठ बटा चार टू बाई वन आया, आया रेसिप्रोकल वन बाई टू टू बाई वन। क्या इस पर सवाल फ्रेम कर सकते हैं? कोई फॉर्मूला दे देंगे और एक का कोऑर्डिनेशन नंबर दे देंगे और बोलेंगे दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, निकल जाएगा ना। फॉर्मूला दे देंगे, उसे इफेक्टिव नंबर का रेशियो आ गया और एक का कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिए, तो उसे दूसरा निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, बढ़िया आ गया, हो गया, इसमें सारा कुछ हो गया। चलो अगला लिखो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, अगला लिखो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर लिख लिए है ना। फॉर एग्जाम्पल लिखो Na2O, 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 Na2S, Na2S। एग्जाम में सीधे लिख देगा कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर चाहे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ऐसे लिख देगा। समझ गए? ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा Na2O, तो इस बार सोडियम दुगना है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन जाएगा एफ सी सी पे और सोडियम जाएगा टेट्रा में। लिखो O 2 माइनस, नीचे लिखो O 2 माइनस, O के ऊपर में 2 माइनस, O 2 माइनस आर प्रेजेंट, O 2 माइनस आर प्रेजेंट एट, O 2 माइनस आर प्रेजेंट एट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट्स, O 2 माइनस आर प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट, आर प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट कॉमा Na प्लस, Na प्लस आर प्रेजेंट, एन ए प्लस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तेज यहाँ चलाओ, एन ए प्लस आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्या सारा डिस्कशन इसका हो चुका है इसके पहले वाले में? तो तुम लोग बोलते जाना, नीचे लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ
इफेक्टिव नंबर ऑफ ओ टू माइनस पर यूनिट सेल बराबर कितना, इफेक्टिव नंबर ऑफ ओ टू माइनस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ ओ टू माइनस पर यूनिट सेल बराबर कितना, बराबर फोर, क्योंकि एफ सी सी पे है। अगला लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए प्लस पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए प्लस पर यूनिट सेल बराबर कितना, आठ हो जाएगा, बराबर आठ। इफेक्टिव नंबर ऑफ एन ए टू ओ पर यूनिट सेल बराबर कितना, फोर हो जाएगा, बराबर फोर। लिख लिए, रिलेशन क्या आएगा, आर ए प्लस आर सी बराबर रूट थ्री ए बाई फोर ऑलवेज, और यहाँ पे आर सी बाई आर ए हो जाएगा, आर सी बाई आर ए 0.225, ये केवल आइडियल केस में होगा, ठीक है, जब कौन कॉन्टैक्ट में हो। अब एनायंस हो जाएगा, जब एनायंस आर इन कॉन्टैक्ट, लिखना है तो लिख लेना, वैसे आइडिया लग गया, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, 4 × 4/3 pi, तो 4 कौन है, ऑक्सीजन है ना, तो रेडियस ऑफ ओ टू माइनस का क्यूब प्लस 8 × 4/3 pi, ये कौन है, एन ए प्लस है ना, क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, सही है, ठीक है। कहने का मतलब ये ए हो जाएगा आर ए, और यहाँ पे क्या आएगा, आर सी आएगा, सही है, डेंसिटी बराबर, तो ओवरऑल कितना, 4 आया, मोलर मास ऑफ एन ए टू ओ डिवाइडेड बाई, जल्दी से नोट करो, बड़े आगे, ठीक, लिखो आगे, आगे लिखो स्टार देकर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस बराबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 4, बराबर 4। अगला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओ टू माइनस प्रेजेंट एट एफ सी सी लैटिस पॉइंट बराबर 8। हो गया, अगला लिखे नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बराबर आर ए प्लस आर सी बराबर √3a/4। हो गया, अगला लिखिए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर केटायन कौन है, सोडियम, और वो टेट्रा में है, बराबर a/2 होगा, बराबर a/2। अगला लिखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर एनायंस एफ सी सी पे है, a/√2 सारा पीछे वाला ही हो गया ना, बराबर a/√2 हो गया सारा। चलो अगला हेडिंग दो, खत्म हुआ, इसमें और कोई पॉइंट है, सारा पॉइंट लिखवा दिया ना, ठीक है। अगला लिखो सारा देकर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, किसको बोलते हैं, हाँ जेड एन एस को, पार्शियली सही क्यों है, क्योंकि जेड एन एस का दो स्ट्रक्चर होता है, जेड एन एस दो तरह के लैटिस में पाया जाता है, एक होता है जिंक ब्लेंड जो कि हमको पढ़ना है, दूसरा होता है वुर्जाइट नाम होता है, वुड्स रिएक्शन पढ़े थे ना, वुड्स, उसमें आई टी लगा दो, है ना, WURTZ IT, समझ गए, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, सारा तुम कोरिलेट कर लोगे, क्लियर हुआ। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, जिंक ब्लेंड, ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जाम्पल जेड एन एस, लिख लिए, दोनों इक्वल है, कहाँ कहाँ जाएगा, सल्फर एफ सी सी पे, जिंक कहाँ पे, कहाँ, केट्रा में, ऑक्टा में,
तो पढ़ ही चुके हैं सोडियम क्लोराइड, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम उसी में लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ZnS। तो इससे तुम लोगों को आइडिया लगेगा कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ अलग है। बोलो, याद करने में आसानी होगा, पहला से तीसरा तक तो याद हो गया अच्छे से। पहला सोडियम क्लोराइड यानी FCC प्लस ऑक्टा, दूसरा CaF2 फ्लोराइड, CaF2 यानी कैल्शियम FCC और फ्लोरीन टेट्रा, तीसरा Na2O एंटी फ्लोराइड Na2O बोले हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें ऑक्सीजन FCC और सोडियम टेट्रा, यहाँ तक तो हो गया। अगला जो है ZnS जिंक ब्लेंड, ठीक है, इसमें ऑक्टा नहीं होता, क्योंकि अगर ऑक्टा होता तो फिर हम तो सोडियम क्लोराइड में ही लिख देते, वही सेम चीज़ आ जाता, तो वो नहीं होता। तो वो नहीं होगा तो कौन होगा? टेट्रा ही होगा ना। लेकिन टेट्रा में तो 8 होता है टेट्रा, और हमें इक्वल रखना है जिंक सल्फाइड ZnS, यानी जितना जिंक उतना सल्फर, तो इक्वल रखना है ना। तो इसमें सारा टेट्रा नहीं भरता है, वही जो सेकेंड एग्जाम्पल जो थर्ड एग्जाम्पल पढ़े वही सेम चीज़, लेकिन सारा टेट्रा नहीं भर के आधा टेट्रा भरा हुआ रहेगा। तो 8 टेट्रा है टोटल, उसमें से 4 भरा हुआ है, 4 खाली है। तो फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो गया, क्लियर हुआ? लिखो, नीचे लिखो S2 माइनस आर प्रेजेंट, S2 माइनस आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट, S2 माइनस आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट्स, आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट्स, लिख लिए, कॉमा देकर लिखो एंड ZN2 प्लस आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यानी जो नियरेस्ट टेट्रा है उसमें नहीं भर के उसके अगले में भरेगा। जैसे कैसे था, 4 ऊपर 4 नीचे, तो यहाँ एक टेट्रा है तो A/2 वाले पे नहीं भरेगा, A/2 पे नहीं भरेगा, इसके बगल वाले में भरेगा। यानी अगर यहाँ भरेगा तो यहाँ भरेगा, तो इसके सामने भरेगा फिर नहीं, उसके नीचे तो भरेगा। क्लियर हुआ? तो अगर तुम उधर से देख रहे हो सामने से हमारे इस क्यूब को जिसमें 8 कमरा था, तो तुमको 4 और उसके ठीक पीछे A/2 पे भी 4 दिख रहा है, तो फ्रंट वाले में 4 नहीं 2 ही होगा, बैक वाले में भी 2 ही होगा, और दोनों का क्रॉस सेक्शन जो है वो एक क्रॉस का निर्माण करेगा, क्रॉस का। एक यहाँ है तो बगल में नहीं होगा, नीचे होगा, दूसरा यहाँ और यहाँ, समझ में आ रहा है? और उसके पीछे, इसके पीछे वाला अब नहीं होगा, अब इसके नीचे वाला होगा, तो फिर ये यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अगर हुआ फ्रंट में, तो बैक में इस तरह से होगा, दोनों क्रॉस सेक्शन मिलाओगे तो तुमको एक गुना का निशान दिखेगा। क्लियर हुआ क्या? बोलो, ठीक है, चलो नीचे लिखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ S2- पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ S2- पर यूनिट सेल बराबर कितना? 4 लिखो, बराबर 4 S2- FCC पे है। अगला लिखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ ZN2 प्लस पर यूनिट सेल बराबर क्या लिखोगे? 1/2 × 8 = 4, 1/2 × 8 = 4, हो गया। अगला, इफेक्टिव नंबर ऑफ ZnS पर यूनिट सेल बराबर कितना? 4 ही आएगा, हो गया। रिलेशन देख लो, भले ही मिसिंग है कहीं कहीं पे, लेकिन जो नियरेस्ट होगा वो तो यही होगा ना। जैसे 4 गायब है तो इसका मतलब क्या, एनायन के सबसे बगल में कैटायन नहीं होगा? होगा ही ना, है ना। देखो, जैसे हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल गड्ढा था, तो कुछ गड्ढा खाली है, लेकिन जिस गड्ढे में एटम है वो तो टेट्रा में ही रहेगा ना। जहाँ पे है वो तो 4 से घिरा होगा, और 4 से घिरा होगा तो रिलेशन क्या आएगा? √3/4। तो जहाँ 4 से घिरा है वहाँ आइडियल केस में ये रिलेशन भी आएगा, समझ गए? पैकिंग फ्रैक्शन में बस चेंज आएगा, है ना, 8 के बजाय ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। केटायन और एनायन दोनों का दोनों कितना? 4 ही रहेगा, समझ गए? बोलो, yes, अभी ना लिखवाए हैं 4, yes, है ना। डेंसिटी 4 सही है, मल्टीप्लाई कर दे किससे? ZnS से, हो गया, नोट कर लो।
हो गया ना इसलिए। चलो अब देखो, जो एटम गड्ढे में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो चार ही होगा क्योंकि चार से घिरा है, लेकिन जो कॉर्नर पे है उसके चारों तरफ आठ टेट्राहेड्रल वॉइड होता था, कॉर्नर वाला आठ में कॉमन है और हर क्यूब में एक टेट्रा है, होता था ना, लेकिन अब हर क्यूब में टेट्रा होगा या उसके आधे में ही होगा, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी चार हो गया, यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसमें, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ़ S2 माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट बराबर प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट बराबर 4। पहले 8 हुआ करता था, अब कितना होगा, 4। अगला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ZN2 प्लस प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 4 हो गया। अगला देखिए, एक लाइन छोड़ के स्टार कर लिखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन बराबर आर ए प्लस आर सी बराबर √3a/4। अगला लिखिए, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनायंस बराबर कितना, एनायंस फेस डायगोनल पे, यानी कितना, a/√2। अगला नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू केटायंस बराबर। तो अभी जो डायग्राम बनाए थे छोटा वाला यूनिट सेल, तो उसमें बगल वाला तो गायब हो गया, तो फिर कौन सा नियरेस्ट हो गया, फेस डायगोनल वाला। तो फेस डायगोनल लेंथ कितना आया था, देखो a/√2, सही है, a/√2 हो गया ये भी, ठीक है। चलो नीचे नोट लिखो, नोट लिख के डैश दो ZnS लिखो, ZnS जिंक सल्फाइड, ZnS ऑल्सो हैज वुर्जाइट स्ट्रक्चर, बोर्ड पे लिखा हुआ है WURTZIT, और जो अभी पढ़े बिल्कुल वही होता है, बस FCC के जगह पे HCP आ जाता है, FCC के जगह पे HCP है ना, लिखो इन दिस स्ट्रक्चर, उसी में आगे लिखो इन दिस स्ट्रक्चर S2 माइनस आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग और HCP एंड कॉमा तक लिखो एंड ZN2 प्लस आर प्रेजेंट इन हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स सेम वही हाफ ऑफ चाहे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अगर HCP पे होगा तो सल्फर कितना, 6 हो गया, बोलो तो ZN2 प्लस कितना होगा, तो HCP में टेट्राहेड्रल 12 आता था, तो कितना होगा, हाफ इंटू 12 बराबर ये भी कितना, 6 ही हो जाएगा। ZnS बराबर कितना, 6 हो जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन का ये एक्सप्रेशन हम नहीं लिख सकते, ये तो हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि लेंथ तो वही रहेगा ना, FCC में जाए चाहे HCP में जाए, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का ये एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आंसर तो यही आएगा, क्यों, क्योंकि FCC और SCP उसमें यूनिट सेल का भी तो फर्क होता है, इस गड्ढे में नहीं रख के तुम उस गड्ढे में रख रहे हो, तो क्या आंसर चेंज कर जाएगा। हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन जो परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड है, याद करो ना, SCP में भी आया था 74% और FCC में भी आया था 74%, यहाँ 74 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ तो केवल एनायन का निकाले थे ना, यहाँ पे केटायन भी है, बोलो ठीक है। तो यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन वुर्जाइट स्ट्रक्चर में भी वही आएगा जो जिंक ब्लेंड में आएगा, क्लियर हुआ, डेंसिटी भी हमारा
वही आएगा। बात आ रही है समझ में? डन हो गया ये भी, ठीक है। अगला स्टार का लिखो नोट, अगला नोट, ये नोट वन कर दो इसको, ये नोट जो था ना नोट वन करो। अब लिखो नोट नंबर टू, नोट नंबर टू लिखो। डायमंड हैज़, लिखो डायमंड, डायमंड हैज़, डायमंड हैज़ सेम स्ट्रक्चर एज जिंक ब्लेंड, डायमंड हैज़ सेम स्ट्रक्चर एज जिंक ब्लेंड। डायमंड का भी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है जिंक ब्लेंड वाला, फर्क किस बात का है? डायमंड में तो केवल कार्बन है ना, तो जहाँ पे जिंक है वहाँ भी कार्बन, और जहाँ सल्फर है वहाँ भी कार्बन। चलो तो डायमंड को ख़त्म कर दिया जाए। नीचे लिखो कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल एफसीसी लैटिस पॉइंट्स, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल एफसीसी लैटिस पॉइंट्स, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल एफसीसी लैटिस पॉइंट्स, एफसीसी लैटिस पॉइंट्स, कॉमा देकर लिखो एंड, कॉमा देकर लिखो एंड, एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एंड एंड एट, एंड के बाद एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एंड एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सही है, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ, लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल बराबर, पर यूनिट सेल बराबर, लिख लिए बोलो? ठीक, तो इफेक्टिव नंबर कार्बन एटम्स कितना होगा? चार एफ सी सी से, और हाफ इंटू टेट्रा आठ है, कट गया, कितना आया? आठ आया। तो डायमंड के केस में जेड कितना? आठ हो जाएगा। जिंक के जगह पे भी कार्बन, सल्फर के जगह पे भी कार्बन, जिंक चार था सल्फर चार था, टोटल कितना हुआ? आठ हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो रिलेशन क्या आएगा, कौन सा रिलेशन लिखा है? यहाँ तो केटायन और एनायन सेम साइज़ का है, इस वाले केस में तो केटायन और एनायन दोनों का दोनों क्या है? सेम ही साइज़ का है ना, तो रेशियो वाला ट्रू होगा या एडिशन वाला ट्रू होगा? रेशियो वाला कहाँ से ट्रू होगा? आर सी बाई आर ए 0.225 होगा, वन होगा ना, है ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो ट्रू कौन सा होगा? आर सी प्लस आर ए बराबर रूट थ्री बाई फोर वाला, समझ गए? लेकिन यहाँ आर सी आर ए दोनों सेम है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं टू आर बराबर रूट थ्री बाई फोर, समझ गए ना? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, कन्फ्यूज कर देगा इसमें। यानी आर बराबर कितना, इसको मत याद रखना, इसको निकाल लेना, ये याद रखना, समझ गए? ठीक है, नोट करो। लिख लिया पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों? आठ इंटू मोलर मास ऑफ बाई एन ए, और अच्छा सॉरी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? एट इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, यहाँ से एक अवेलेबल पुट कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है। डेंसिटी बराबर एट इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन बारह पाई एन ए क्यू, ए दे देगा तो डेंसिटी आ जाएगा, आर दे देगा तो से ए निकाल लेंगे, फिर डेंसिटी आ जाएगा। आया समझ में? ठीक, नोट करो। हो गया, लिख लिए। चलो अगला लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन बराबर कितना आएगा? आइडियल केस तो रहा नहीं, तो एनायन तो आपस में कांटेक्ट में होगा नहीं, क्योंकि अगर कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं तो कार्बन के चारों तरफ कार्बन को काउंट करेंगे, तो कार्बन के चारों तरफ का कार्बन यानी केटायन एनायन दोनों काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ दोनों जगह तो सेम ही चीज़ है, लेकिन एनायन तो अब कॉन्टैक्ट में है नहीं,
एन आयन कॉन्टैक्ट में कब होता है? जब रेशियो 0.225 रहता तब ना, वो तो है नहीं, वो तो बड़ा हो गया। कहने का मतलब एन आयन का कॉन्टैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन बीच का जो केटायन है वो तो एन आयन को टच करेगा, लेकिन केटायन भी कार्बन है, एन आयन भी कार्बन है, तो हमारा कार्बन कितने एन आयन को टच कर रहा है? चार को ही ना, टेट्राहेड्रल गड्ढे में है, तुमको पहले से पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? चार ही तो बनाता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन का कितना आया? चार आया, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसके चारों तरफ चार कार्बन। आ गया समझ में? ठीक। शीट से कुछ सवाल दे देते हैं, बहुत ही आसान। पेज नंबर 16 एक्सरसाइज वन में निकाल लिए। एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 4-5, क्वेश्चन नंबर 4-5-6, क्वेश्चन नंबर 4-5-6 लिखे। 13 और 16 हो गया ना? ठीक है, एक बार पढ़ लो। तो चार नंबर में कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्लोज्ड पैक्ड एरे में है। क्लोज्ड पैक यानी ऑक्सीजन FCC में है, तो ऑक्सीजन चार होगा सेकंड लाइन। और टिटैनियम जो है वो ऑक्टा के आधे में है, तो ऑक्टा चार होता है, उसका भी आधा, तो दो में होगा। तो फार्मूला आ जाएगा इसे, बोलो। टिटैनियम हो गया दो, ऑक्सीजन हो गया चार, तो फार्मूला TiO2 हो जाएगा। और एक बार TiO2 हो गया तो अगला लाइन मोल कॉन्सेप्ट का है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है टिटैनियम का, निकल जाएगा। पाँच नंबर भी उसी तरह से है, ध्यान देना। पाँच नंबर लेकिन घुमाया है, खूब इसमें न जाने का प्रयास किया है ना, लेकिन बेवकूफ़ बस बना रहा है, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। छः नंबर में कह रहा है कि KF जो है वो NaCl के स्ट्रक्चर में होता है, समझ गए? K+ का दिया 132, F- का दिया 135, तो Ra और RC मिल गया। और NaCl में है तो Ra+ RC बराबर A/2, तो कह रहा है कि एज लेंथ कितना होगा सेकेंड लाइन, तो A निकल गया। फिर कह रहा है K और F के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो Ra+ RC ही होगा। फिर करा क्लोजेस्ट के डिस्टेंस, A/√2 होगा, A/√2 ना? हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बोले? 13 में करा, 13 देखो, 13 जैसा सवाल सबसे प्यारा रहता है। रेडियस दे देगा और बोले कौन सा अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो रेडियस रेशियो हम निकाल लेंगे सीधे, है ना। 88/200 यानी 0.44 किस रेंज में है, है ना? 0.44 से शुरू होगा, 0.44, हाँ 414 से लेके, बहुत बढ़िया, 0.414 से लेके 0.732 यानी ऑक्टा वाला रेंज है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6-6 होगा दोनों का। आ गया आंसर? ठीक। सवाल नंबर 16 में डेंसिटी दिया है, एज लेंथ दिया है, बोल रहा है कि बताइए KBr FCC में होता है, प्रूफ करिए इस चीज़ को। जेड निकाल लेंगे, चार आ जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है, और कोई बोले? 19 नंबर बोले ना? हाँ 19 नंबर कर लेना, आप बोल रहे हैं 19 हो जाएगा। ठीक, एक्सरसाइज टू में, एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, बस एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेना। और भी है सवाल बहुत सारा जो कर सकते हो, लेकिन अगले क्लास में कराएंगे, क्लास में ही कराएंगे, समझ गए? आज का काम क्या बोले? जितना भी आज कराए हैं सारा स्ट्रक्चर मेमोरी से पूरा कॉपी में लिखने का प्रयास करोगे, आज के आज तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, समझ गए? अगर आज याद हो गया तो आयनिक कंपाउंड बस आज ही क्लास में डिपेंड करता है, पीछे का थियरी सारा इस्तेमाल हो गया आज के क्लास में। ठीक है, चलो।